Hello, thanks Anupam. Uh, so, um, I run an education company called Makeshift, and uh, there we are mainly focusing on uh, innovation in education. Uh, so, through curricular and pedagogical innovations. So, uh, basically, how can we inculcate design thinking mindset and entrepreneurship mindset in children? Uh, that's what we work on. and my topic is today uh, is about design thinking so I will just briefly work uh, talk to you regarding how can startups use design thinking for developing their products thank you okay so uh, आप वैसे कितने लोगों ने design thinking के बारे में सुना है क्योंकि आजकल ये term इतनी ज़्यादा common हो चुकी है कि हर कोई बोल रहा है design thinking सो एक्टली डिजाइन थिंकिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं ये कोई बहुत बड़ी डिजाइनिंग की चीज नहीं है बट मुझे एक आप आइडिया दीजिए कि क्या आपने डिजाइन थिंकिंग कभी यूज किया है या फिर आपने uh, कहीं सुना है ये चीज नहीं सुनी है नो नो यू हैवेंट हर्ड अबाउट दिस एट ऑल ओके ओके सो सिंपली पुटिंग अभिजीत ने जो आपको बताया है दैट इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस आस्पेक्ट बट डिज़ाइन थिंकिंग इज मोर अबाउट योर प्रोडक्ट आस्पेक्ट तो वो हम अभी देखेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग हम कैसे यूज़ करेंगे uh, और डिज़ाइन थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी टूल्स कैसे यूज करेंगे सो so दैट हम अपने ही प्रोडक्ट पे बार बार रिफ्लेक्ट कर पाए और प्रोडक्ट बेटर कर सके सो so, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार ओके सो बेसिकली डिजाइन थिंकिंग मतलब डिजाइन के बारे में आप समझिए पहले तो डिजाइन क्या चीज है टू डिजाइन इज वॉट अकॉर्डिंग टू यू टू क्रिएट समथिंग सॉरी सम सम क्रिएटिंग सम स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ़ समथिंग ओके डज़ इट हैव टू बी अबाउट प्रेजेंटेशन ओनली no it uh, can be uh, something you want to create okay something we want to create and Same to act yeah that uh, you try to express without using a language you try to communicate something but without using a language so probably okay, yeah. that you can call a design okay um, that could be visual part of design um, and what else to think and act so basically design um, is a purpose is an intent to do something or communicate a message so basically whatever messaging that our product has is it getting converted is it are we uh, communicating it to the user well so that's what design thinking will help you with and um, so अब डिजाइन थिंकिंग एजुकेशन में कहां-कहां यूज कहां कर सकते हैं लाइक डोंट इवन थिंक अबाउट डिजाइन थिंकिंग बट डिजाइन क्या-क्या कर सकते हैं एजुकेशन में सो so बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अपना पेडागोजी और करिकुलम तो है ही जो आप कंटेंट देते हो दैट कुड बी डिजाइंड देन आजकल बहुत बड़ी डिमांड है कि स्पेस डिजाइन करना है लाइक like, अच्छे अलग अलग तरह के स्कूल आ रहे हैं नए नए टाइप के स्कूल आ रहे हैं एजुकेशनल स्पेसेस आ रही है प्लस लैब्स है कोई आपने अलग सा मेथड कोई इनोवेटिव सा मेथड निकाल लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए सो दैट बी योर पेडोकोलॉजिकल इनोवेशन पेडगोलॉजिकल डिजाइन है ना आजकल अभी जैसे गिरीश सर बोल रहे थे कि उनको आ, आ, उनको बुक्स ऑलरेडी बुक्स क्रिएट करी है लेकिन उनको क्या करना है आप, online courses के communicate करना है, सो so वो जो जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट बी देयर पेडोलॉजिकल इनोवेशन पेडोलॉजिकल डिजाइन एंड दैट अब आप क्या पढ़ा रहे हो जो बेसिक स्कूल का नॉलेज है वो तो जमाने से वैसे ही चलते आ रहा है लेकिन क्या आप उसमें कुछ नया कर सकते हो तो वो एक बहुत बड़ा स्कोप है आजकल लाइफ लाइफ स्किल्स है या फिर वैल्यू एजुकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है सो देर इज एम्पल ऑफ स्कोप इन करिकुलम एंड टेक्नोलॉजी पेडागोलॉजी स्पेसेस बट उसी से बढ़ के अलग चीजें हैं जैसे कि प्रॉब्लम्स है कुछ एक स्कूल कोई एक्स प्रॉब्लम मतलब फीस कलेक्ट करने के लिए स्कूल को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप प्रॉब्लम को कैसे सोचेंगे कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे इटसेल्फ कुड बी अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस या फिर आपकी जो टीचर्स है स्कूल में लेट्स से वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हमें क्या करना है हमें उनको ट्रेन इस तरह से करना है कि उन्होंने नया नई चीज क्लासरूम में लानी चाहिए दैट कुड बी योर इनोवेशन दैट कुड बी योर डिजाइन फिर पॉलिसी लेवल का जो रिफॉर्म होता है या वो एक डिजाइन थिंकिंग से थॉट ओवर करके वो आ सकता है दूसरी एक चीज हो सकती है कि बहुत बड़ी चीज आप मतलब एजुकेशन एज अ डोमेन आप सीधे समझिए कि अगर हम आप बोल ये ये बच्चों को अगर साइड में देखेंगे एक चिंटू है एक पिंकी है और ये चिंटो और पिंकी के लाइफ में हमें अगर कुछ भी नया लाना है अगर उनके थॉट प्रोसेस में कुछ भी इनोवेट करना है, सो ये सीधा सीधा आपका जो भी एजुकेशन का एरिया है वो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करेगा छोटी से छोटी चीज मे बी मैं नहीं बोल रही कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्कूल का टेक्नोलॉजी मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बट आप पेडागोजी स्पेस करिकुलम वगैरह में जो भी इनोवेट करोगे वो डायरेक्टली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर लेकर आएगा सो डिजाइन एजुकेशन में यूज करने का वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको बच्चों के लाइफ में या फिर स्कूल्स पर या uh, अगर आप, uh, किसी 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 के लिए भी अगर आप इनोवेट कर रहे हैं किसी के लिए भी लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आ, या फिर आप बड़े लोगों को ट्रेन कर रहे हो किसी के भी लाइफ में कुछ भी चेंज लाना है एजुकेशन में आपको इनोवेट करना पड़ेगा आपको डिजाइन के थ्रू जाना पड़ेगा सो so, इतना बड़ा स्कोप है डिजाइन एजुकेशन में लाने का आ, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ स्कूल्स है ठीक है जैसे कि ये नेक्स्ट स्कूल का आप एग्जाम्पल देख रहे हो मुंबई में Uh, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है सो दे है स्टेट ऑफ द आर्ट लाइक लैब्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी फिर बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है दे फॉर्म दे हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ करिकुलम विच दे से बिग थिंकिंग वे बिग पिक्चर करिकुलम जहाँ पर आप uh, बच्चा और टीचर मतलब एक क्लासरूम में टीचर नहीं पढ़ाती है देर इज समिंग वेरी डिफरेंट अबाउट इट की बच्चे ग्रुप्स में पढ़ाई करते हैं देर इज लॉर्ड ऑफ प्रेयर रिव्यू बच्चे रिसर्च करते हैं दे वर्क ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्टफ ये उनका तरीका हो गया दैट इज देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली देन देर इज वन स्कूल यहां पर आप देख रहे हैं विच इज असिपल स्कूल बट दे आर एबल टू क्रिएट अनर्जी स्कूल विथ ऑल काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी having um, at their school now this is a school near pune Wablewadi municipal school i love this example a lot um, but if you can see this is their classroom you know so classroom may koi fan nahi hai, koi light nahi hai. but they have designed it in a such a way that you don't feel a need of having um, tube lights or um, or energy at their school and they have ample of space around for children to move around. Or, secondly, uh, they uh, uh, they came up with an idea that they will not have any kind of festival in their village, but they will focus on their uh, children's education. And they invest um, a villagers' money to get new things at school. So that's their way. But they have done it beautifully, right? So similarly, we need to think. What can we do differently? Like for me, um, say, uh, since we, uh, in, uh, we work on uh, design thinking education and um, innovation for students, now here we create program structures, new kind of program structures where they will understand, um, they will experience design thinking and innovation and entrepreneurship in real time. And they come up with new एंड दे कम अपल्यूशन लाइक वी टीच देनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड हम उनको बोलते हैं कि आप खुद प्रॉब्लम्स को pick up करके आओ और वो लेकर आते हैं और वो नया कुछ बना के लेके आते हैं वो कितना भी छोटा हो कितना भी हाई टेक हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है उससे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट That, uh, फिर उसके बाद ऐसी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी टूल्स बनाए हुए है राइट सो आई वुर गज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमारे देश में बच्चों को बच्चों के पास सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है हाउ विल दे लर्न और लैपटॉप भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सो दे कम अपरी डिफरेंट सोल्यूशन saying that we will teach them through sms or whatsapp so wo technology ko banana is again in chintu or pinky ki life mein difference lana isn't it so wo ek hai ab hum dekhte hai ki design thinking exactly hai kya ये Stanford D school, जो Stanford का design school है Stanford University का ये term पहले वहां से कॉइन हुई और एक company है आइडियो नाम की तो वो डिजाइन कंसल्टिंग है दुनिया की सबसे पहली लाइक like उन्होंने 1990s वगैरह में स्टार्ट किया था वैसे वाली कंपनी है वो तो उन्होंने बोला कि हम आपको तीन फेजेस बताएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के और वो तीन फेजेस में सारे प्रोजेक्ट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो पहला है कि आप उसको एक प्रोजेक्ट मतलब एक स्कोप बनाने का एक एक्सप्लोरेटरी फेज दूसरा फेज जो आता है वो फेज है एक प्रोटोटाइपिंग फेज जहां पर आप कुछ करके देखते हो फिर तीसरा फेज है जो कि टेस्टिंग फेज है ठीक है तो ये तीन फेजेस में बटा हुआ है एंड इट हैज फाइव डिफरेंट स्टेप्स तो पांच जो स्टेप्स है डिजाइन थिंकिंग के वहां पर देयर इज फर्स्ट स्टेप वेर वी एम्पथाइज विथ आर यूजर्स द सेकेंड स्टेप वेर वी से वी डिफाइन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम third step is ideation coming up with new new ideas and fourth step is prototyping where we actually build a solution and then fifth step is testing, uh, testing step where we actually take the product to the user and ask them to test it so these are five different steps of design thinking and um, these

क्रिएट समथिंग फ्रूगल एक छोटा सा कुछ मॉडल बनाना अपनी आइडिया का एंड टू टेस्ट इट यही स्टेप आप सौ बार भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डायरेक्टली अगर आप प्रोटोटाइप बना के यूजर के पास गए पहले तीन स्टेजेस छोड़कर तो प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज वेन यू डोंट नो अबाउट योर यूजर्स दैट टाइम यू विल से आई डोंट नो हाउ माई यूजर विल बिहेव विद दिस प्रोटोटाइप So, you will directly work on the prototype and go to the user. The chances of failing that prototype are larger. So, that is why, first of all, go through this one cycle and come back to it. Now, I will tell you a few tools. Um, now, edu in education, we define design thinking uh, in this way like, there is not much difference between uh, these five stages of design.

वो आप यूज कर सकते हो वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा मैं आपको एक लिंक भी दूंगी जहां से आ, हमने खुद भी मेकशिफ्ट में डिजाइन थिंकिंग का टूल किट बनाया हुआ है सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आर वेबसाइट ऑल्सो द सेकेंड टेक्निक इज इंटरव्यूज मोर इंटरव्यूज ऑफ यूजर यू मीन यू कंडक्ट बिफोर स्टार्टिंग विथ अ प्रोटोटाइप बेटर इट इज क्योंकि तब आप उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो यस और नो टाइप के नहीं एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ फीडबैक ऑन योर वेग आइडिया एंड दैट विल हेल्प यू टू नैरो डाउन ऑन देयर प्रॉब्लम सो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड वॉट दे आर गोइंग थ्रू विद इंटरव्यूज देन देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज शेडोइंग सो वॉट इज शेडोइंग Uh, just try to become, uh, you know, um, your user for one day, or for one hour. That is one way. Okay? Second way is to accompany your user uh, for a day. But wo technique difficult very difficult. But if you're trying with your children, then um, like you're making something for children, then you can probably accompany, uh, uh, you're already accompanying your children uh, throughout the day, right? So just to observe, uh, you learn a lot with observations. And uh, uh, the way they behave is something you will get feedback on. Like your feedback is your observation, your feedback is the, the way your users behave. What uh, is understand? Karna. Uh, just try to understand as much as possible, take everything as a feedback. एंड जस्ट बी नॉन जजमेंटल मतलब आपको क्वेश्चन नहीं करना है उधर की ये ऐसा क्यू है वैसा क्यू है जस्ट बी विथ इट लाइक बस ऑब्जर्व करते जाना है और नोट डाउन करते जाना है दैट्स इट देकेंड फेज में आते हैं विच इज प्रॉब्लम डेफिनेशन और डिफाइन फेज देन इन डिफाइनिंग यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही नैरोन करना है

उसका आंसर दिया उसको फिर से क्वेश्चन पूछा वाई ठीक है उसका आंसर मिला थर्ड थर्ड आंसर मिला मुझे तो उसको भी मैंने क्वेश्चन पूछा वाई फिर फोर्थ मिला उसको भी क्वेश्चन पूछा वाई ऐसे मुझे पांच बार करना है और जो पांचवी बार का आंसर आएगा दैट विल बी माय रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तो इससे क्या होता है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है एंड वी कैन से दैट दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट आई वॉन्ट टू सोल्व राधर मेरे पास डिवाइस नहीं है यू कैन ऑल्सो से अगर आप जड़ तक गए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा ईजी है राधर जस्ट से मेरे पास डिवाइस नहीं है अब मैं क्या करूँ राइट right? तो यहां पर नैरोइंग डाउन मतलब पहले तो अपना कॉन्सेप्चुअली प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए ना उसके लिए ये चीज काम आएगी। अगर आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको बोलेंगे कोई भी इंक्यूबेटर एक्सिलेटर सबसे पहले उनके पिच डेक में क्या बोलेगा What is the problem you are solving? तो वो जितना सोल्विंग डाउन प्रॉब्लम होगा दैट विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन देम वाई यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वाई यू फील पैशनेट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम आफ्टर दैट वो, वो लोग ये भी आपको पूछेंगे की हु इज योर यूजर हाउ वेल डू यू नो योर यूजर तो उसमें आप ये सब ये सारे स्टेजेस है जो आपको हेल्प करेंगे उन सब का आपका पिच डेक प्रॉपरली बिल्ड करने में देन कम्स अप थर्ड स्टेप मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से काफी लोग मतलब हमारा एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है जिससे हम लोग आइडिया पहले सोच लेते हैं प्रॉब्लम बाद में सोचते हैं right? राइट तो वो अवॉइड करने के लिए पहले के दो जो स्टेजेस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिर हम जो आइडियाज लेकर आएंगे दे विल बी रियली इंपॉर्टेंट आइडियाज तो वो आइडियाज को कैसे लाना है आइडियाज लाने के लिए जस्ट ब्रेन स्टॉम विथ योर फ्रेंड्स विथ योर फैमिली विथ योर टीम एंड डोंट जज एनी आइडिया डोंट से नो टू एनी आइडिया जस्ट कीप राइटिंग देम डाउन वाइल्ड कंडक्टिंग अ डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप वॉट वी डू इज वी एस पीपल टू कम अपर्टी आइडियाज और फिफ्टी आइडियाज इन द इन फिफ्टीन मिनिट्स एंड देन देग्रीगेट द आइडियाज सो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है लाइक ट्वेंटी मिनट इज इनऑफ आप एक बार सारी आइडियाज लिख के लेंगे देन यू कैन सेग्रीगेट यूर आइडियाज इन टू विच आर द गुड आइडियाज Like, there is nothing as such like good ideas, bad ideas, but which are workable ideas, which are feasible ideas, which are innovative ideas. So, if you categorize them, then you can select the um, most effective or most uh, innovative solutions. So, prioritizing or converge, diverge. So, that's ideation. The fourth phase would be, you know. क्रिएटिंग समथिंग रियली फास्ट लाइक इन अ डे और इन एन आवर है ना क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटोटाइप के बारे में सोचते बैठे लाइक आई नीड टू मेक अ मॉडल हाउ क्विकली कैन आई डू इट इट कुड बी जस्ट अ पेंसिल एंड पेपर पे एक डिजाइन इट कुड बी अ थ्री डी मॉडल पेपर मॉडल कार्डबोर्ड मॉडल और मे बी इट कुड बी थ्री डी डिजाइन इन अ सॉफ्टवेयर और कुछ भी हो सकता है वो बट इट कु वेरी सिम्पल एंड जितना जल्दी आप ये बना सकते हो एक दिन के अंदर uh, या फिर कुछ घंटों के अंदर आपकी टीम के साथ उतना ज्यादा वो बेटर रहेगा क्योंकि उसमें आप फास्ट फेल हो सकते हो फास्ट इम्प्रोवाइज कर सकते हो इसलिए सो आई एम श्योर यू हैिंट

तो ये करने पर आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना वर्क हो रहा है कितना नहीं सो दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन डिजाइन थिंकिंग साइकिल एंड यू कैन रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट बट दिस इज वॉट यू कैन टॉक अबाउट इन योर पिच डेक इफ यू कलेक्ट योर डेटा वेल इफ यू हैव योर फर्स्ट टू स्टेप्स इन प्लेस Um, first few, like first two, three questions of your pitch deck will be absolutely ready. and after that, if you have your prototype uh, in place and testing in place, then you will have few more uh, slides of your pitch deck ready. and you can club it with your business model canvas. and then your pitch deck is done. so uh, that's where design thinking helps you um, for creating your products and this is not just for page decks but to actually solve problems this is very very useful i have been using it for a long and my all my students are using it so uh, it definitely works and it is not as difficult or easy this is just a process you have you are probably already doing it just doing it uh, in a way that you know you're documenting things and uh, properly uh, de getting feedback on each of the step is important so yeah that is all about design thinking now if you have questions uh, we will take it